चुनाव से पूर्व केंद्र सरकार अब अपना योजना और जो 5 साल के भीतर कार्य कैले बढ़ुए ओकर अब जनता के बीच में प्रचार प्रसार शुरू कर देले। आयुष्मान भारत योजना ऐसने एक योजना बढ़ुए जौना के लेके केंद्र सरकार के पूरा दारोमदार टिकल बढ़ुए। यह योजना के तहत 50 लाख लोग के इलाज करवावे के और मुफ्त इलाज करावे के सरकार दावा करता। यही कार्यक्रम के लेके आज पटना में रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री बाड़न वो लोग के जुटा के और यह योजना के प्रचार प्रसार के लिए है और साथ में एक योजना से लाभान्वित होखे वाला लोग से भी मुलाकात के लिए है। वीडियो में रोज देख सकी ले कि का वो कहते रहे और लोग उनका संगे का अपन विचार साझा करते हुए पहले वीडियो रोज देख ली। अच्छा एक मिनट देखिए, आज आप लोग इसलिए बुलाया है वो 5 लाख तक का सहयोग मिलेगा। आपका बड़ा ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन है, बीमारी अभी देखिए माता जी ने बताया कि गई थी कैंसर के लिए मुंबई में, वहाँ भी नहीं पैसा लगा। तो आप लोग को अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आप लोग जल्दी स्वस्थ होइए और नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए सरकार है, गरीबों के लिए काम कर रही है। तो इसीलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जहाँ 50 लाख गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए 50 करोड़, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ परिवार और आप 4-5 लोग को जोड़ लीजिए तो लगभग 50 करोड़ लोग, ये सब के लिए ये योजना है। तो आज पटना में हम आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जो आपने कुछ सुझाव दिया उसका भी हम ध्यान रखेंगे। इसको नीचे तक आप लोग खूब बताइए, जिसको इसका लाभ लिया है वो अपने लाभ की चर्चा करिए और नीचे तक बताइए, यही मुझे आपसे आग्रह करना। लंबा भाषण नहीं करूँगा, बहुत ही प्रसन्नता हुई है। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है आयुष्मान भारत। गरीबों को लाभ मिलता है, देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल। और आज आप देखिएगा, मैं चाहूँगा आप उससे बात करिए, उस महिला से मिलकर, मुझे माता से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, जिसको ट्यूमर था उसका पटना में भी इलाज हुआ, कैंसर के लिए वो मुंबई भी गई और एक पैसा नहीं खर्चा हुआ। तो हम चाहते हैं और विस्तार से हो, मैंने बहुत लोगों को कार्ड दिया है। ये आंदोलन में अभी तक 7 लाख लोगों को सहयोग मिल चुका है देश भर में, इसको हम आगे 50 करोड़ तक ले जाएंगे। तो आज उनके चेहरे पर आशा को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए काम करते हो करती रहेगी। संतुष्टि मिली आपको? देखिए, मेरे संतोष का सवाल नहीं है, हमारी सरकार, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, एक काम कर रही है जिससे लोगों को कुछ अच्छा मिलता है तो संतोष तो मिलता है। धन्यवाद। जैसे कि आप वीडियो में देखने कि रविशंकर प्रसाद पूरी तरह से आश्वस्त बन और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत योजना जो स्वास्थ्य से जुड़ल बढ़ुए ओकरा के दुनिया के सबसे बड़ा योजना बता रहा बन और यह योजना से लोग के लाभ मिलता ई बात भी दावा कर रहा बा सरकार। यानी कि अब चुनाव से पूर्व उस सारा योजना जौन जौन केंद्र सरकार बिहार खातिर या देश खातिर लागू कैले बा वो योजना के अब प्रचार प्रसार पूरी तरह से शुरू हो गई बढ़ुए। एक साथ साथ एक और बात समझ में आवत रुए कि स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यही बिहार से बाड़न, पटना के राजधानी के खास करके पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में रविशंकर प्रसाद के यह तरीका के कार्यक्रम कुछ और भी इशारा करते हुए वो इशारा ये भी कह रहा बुड़ुए कि जौन बहुत पहले हमने के ये बात वालों से कहले रही जा कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से रविशंकर प्रसाद शत्रुघ्न सिन्हा के जगह पर उम्मीदवार हो सकेले भारतीय जनता पार्टी के, उ बात के कहीं ना कहीं सुगबुगाहट नजर आ रहा बुड़ुए आज के उनका यह कार्यक्रम से। जुड़ा रही सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, फिर कोनो खबर लेके हाजिर होकर तब तक खाती गोड़ लगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।